अभी के टाइम पे भाई फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज होते हुए दिख रहा है। इस वीडियो में आप लोगों को भाई पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप अपना फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो, प्लस इसका जो न्यू प्रोसेस है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। सो इस साइड में आप लोगों को भाई स्क्रीन शो हो जाएगा, करना कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा ब्राउजर पे जाकर सर्च करना है फिनो पेमेंट बैंक। इजिली जैसे आप ये सर्च करते हो तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्लिक हियर टू ओपन नाउ। इस पे जैसे आप भाई क्लिक करोगे तो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस पे आप चले जाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है नो पे जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर एवरी डे बैंकिंग का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। और इस साइड में यहाँ पे बताया जा रहा है एंटर योर मोबाइल नंबर, सिंपल सा ओपन एन अकाउंट इंस्टेंटली का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे अपना आधार नंबर लिंक यहाँ पे फिल करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें क्या क्या आप लोगों को भाई फिल करना है, जैसे कि आपका इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग मिल जाएगा, जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि इंजॉय फ्री डिजिटल पेमेंट का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब कि आपका डिजिटल अकाउंट है, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, बीसी पॉइंट पे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंट बिल पेमेंट का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, आप इस अकाउंट को यूज करके बिल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो। नीचे में यहाँ पे बताया गया है जीरो बैलेंस अकाउंट है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फी आप लोगों को भाई देना पड़ेगा, देखो भाई 499 प्लस जीएसटी, जो इसका भाई सब्सक्रिप्शन फी है ना वो आपको हर कीमत पे देना पड़ेगा, तभी इसका भाई अकाउंट फीचर्स का लाभ उठा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैशबैक का भी आप लोगों को फीचर्स देखने को मिल जाएगा, आपको इसके डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने पे कैशबैक मिलेगा। यहाँ पर नीचे में देखिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आप इससे फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हो, यूपीआई से बिल पेमेंट वगैरह करते हो, तो 50 रुपीज का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मैंने दे रखा है, कैसे आप अपना डेबिट कार्ड पिन एक्टिवेट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर भाई चेक कर लेना। यहाँ पे बताया जरा ओपन अकाउंट एंड गेट योर डेबिट कार्ड, इजिली अकाउंट ओपन करके अपना डेबिट कार्ड ले सकती हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जरा है वन अकाउंट मेनी बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसमें आप लोगों को भाई 6.25 का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं तो पर्सनलाइज ऑफर देखने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे साइड में आपको बताया जरा यूटिली बिल वगैरह भाई पेमेंट कर सकते हो इजिली, कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद नीचे में स्क्रॉल करते हैं तो फिनो पे एप्लीकेशन इज ऑल योर नीड का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आपको अपना भाई पेमेंट के रिलेटेड में हो गया या सिंपली मनी ट्रांसफर के रिलेटेड में हो गया, बिल पेमेंट के रिलेटेड में हो गया, अदरवाइज इन्वेस्ट वगैरह भी कर सकते हो, और भी उसमें सेक्शन देखने को मिल जाता है। और इसका नीचे में यहाँ पे देखिए टोल फ्री नंबर वगैरह देखने को मिल जाएगा, या व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके इनका जानकारी ले सकते हो इनसे। तो अब देखिए कि भाई हम इसमें अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। तो देखो अकाउंट ओपनिंग का भाई दो तरीका है, या तो इसका फिनो पे एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो, वहां से अकाउंट ओपन करो, या अदरवाइज यहाँ पे मैंने ब्राउजर पे ओपन कर रखा है, लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। यहाँ पे अपना नंबर फिल करके आपको ओपन एन अकाउंट पे भाई क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन एन अकाउंट पे भाई क्लिक करते हो ना तो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करोगे, फिर उसके बाद आगे का आपको डिटेल बताया जाएगा, जैसे पर्सनल डिटेल वेरीफाई करिए, नंबर डालिए, पैन नंबर डालिए, आधार का ओटीपी वेरीफाई करिए, उसके बाद आपका फादर के नेम, मदर के नेम, आपका ऑक्यूपेशन, इनकम डिटेल, ये सब आप लोगों से लिया जाता है। जैसे आप ये आगे भाई फिल करके जाते हो तो आपसे भाई सब्सक्रिप्शन फी लिया जाएगा, और सब्सक्रिप्शन फी आपको भाई पेमेंट कर देना है। फिर उसके बाद वीडियो के बाद आपका सक्सेसफुल अकाउंट और आईपीसी कोड वगैरह देखने को मिल जाएगा। बट आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या भाई इसे माइनर ओपन कर सकते हैं? भाई मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर देता हूं, ऑनलाइन भाई माइनर ओपन नहीं कर सकते। माइनर का अगर भाई फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो भाई वो किसी बीसी पॉइंट पे जाकर विजिट करे या अदरवाइज ब्रांच में जाकर विजिट करे, उनका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, डेफिनेटली इसमें ओपन कर दिया जाता है। बट ऑनलाइन अगर ट्राई कर रहे हैं तो नहीं होगा। और ये आपका जो अकाउंट है ना ये भाई टोटली जीरो बैलेंस है, इसमें आप लोगों को अदर कोई दूसरा फी रखने की जरूरत नहीं है। इसमें पहले से ही आपका भाई सब्सक्रिप्शन फी ले लिया जा रहा है 499 प्लस जीएसटी, जो आपको हर कीमत पे देना है, चाहे आप जीरो बैलेंस अकाउंट यूज करो या ना करो, देना पड़ेगा। और जैसे अगर इसका बैलेंस मेंटेन वाला अकाउंट लेते हो तो उसमें आप लोगों को भाई फी देने की जरूरत नहीं है, उसमें आप बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हो 1000 रुपए हर महीने, तो आपको अलग से भाई कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपको भाई 499 प्लस जीएसटी आपको फी देना पड़ेगा, जो एनुअल में लगता है, साल में एक बार आपसे भाई चार्ज लिया जाएगा। तो आप लोगों को भाई क्वेश्चन ये होगा कि भाई आप अकाउंट ओपन करके दिखाओ, तो आप लोग भाई डिस्क्रिप्शन जरूर भाई चेक करना, मैंने अकाउंट ओपनिंग का लाइव मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखा है कैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकती हो, क्या आप लोगों को भाई फिल करना है क्या नहीं करना, ऑलरेडी मैंने भाई अकाउंट ओपन करके दे रखा है। आप इसके एप्लीकेशन से या अदरवाइज ब्राउजर से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो आप लोग भाई जरूर इस वीडियो को देख लेना, अकाउंट ओपन करना है कर सकती हो। अदरवाइज आपको नहीं पता कौन सा एप्लीकेशन है, सो यहाँ पे ब्राउजर पे आना है, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा।
मेरा जो मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कैसे अकाउंट ओपन करना है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या इस अकाउंट को ओपन करने के बाद गूगल पे फोन पे चलेगा या नहीं चलेगा। सो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। मैं गूगल पे फोन पे पेटीएम यूपीआई भीम वगैरह सब कुछ इससे यूज करता हूँ। सो कोई भी मेरे को इश्यू देखने को नहीं मिलता। प्लस इसके डेबिट कार्ड से भाई हम कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, अच्छा खासा हमें लिमिट देखने को मिल जाता है। आप लोगों को अगर अकाउंट ओपन करना है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को चेक कर लेना है। बस इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। आप लोगों को भाई इन्फॉर्म करना था कि भाई इसका प्रोसेस जो है ना वो ब्राउजर से भी ओपन कर दिया गया है, पहले ब्राउजर से ओपन नहीं किया गया था। बहुत सारे लोग मेरे को भाई कॉमेंट कर रहे थे कि भाई फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस चेंज हो गया। सो ऐसा नहीं है, ब्राउजर से भी ये फीचर्स दिया जा रहा है, पहले ब्राउजर से नहीं दिया जा रहा था और फिनो पे एप्लीकेशन से भी ये फीचर्स मिल रहा है। तो आप लोग चाहो तो भाई जाकर ट्राई कर सकती हो। होप आप लोगों को जो भी डाउट है भाई क्लियर हो चुका है। अदरवाइज फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो पसंद आता है लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अदरवाइज आप पेज पे देख रहे हो तो भाई पेज को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।